नमस्कार दोस्तों, आज करने वाले हैं हम लोग सूर्य नमस्कार आसन। सूर्य नमस्कार आसन में टोटल 12 मुद्राएं हैं योग की, और प्रत्येक मुद्रा में हमारी जो सांसों का क्रम है उसका सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान देना होता है। इन 12 मुद्राओं को बारीकी से समझेंगे और लगाएंगे आज सूर्य नमस्कार आसन। देखिए, सूर्य नमस्कार आसन में पूरे 13 मंत्र होते हैं। 13 मंत्रों के साथ 12 मुद्राएं चलती हैं। जैसे पहला मंत्र है तो उसके साथ 12 मुद्राएं, दूसरा मंत्र है फिर 12 मुद्राएं, ऐसे 13 सूर्य नमस्कार पूरे कर लेना ही सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और प्रत्येक मुद्रा को बेहतर तरीके से करना, उसमें सांसों का जो क्रम रहता है, कैसे मुद्रा पूरी की जाती है, उस मुद्रा में आपकी शरीर की स्थिति क्या रहती है, उसका सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान देना होता है, और तभी आपका सूर्य नमस्कार आसन सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे सिद्ध माना जाता है। तो आज करने वाले हैं सूर्य नमस्कार आसन। तो उसमें पहली स्थिति क्या है? पहली स्थिति में देखिए क्या है। सबसे पहले क्या होता है, आपको अपने पंजों को बिल्कुल ही आपस में मिला लेना, सटा लेना, ठीक है। एड़ियों को बिल्कुल मिला लेना है, सीधे खड़े हो जाना बिल्कुल, ठीक है। आप दोनों हाथों को ऐसे लाकर अपना जो सूर्य चक्र है ये बिल्कुल ये है चेस्ट का, ये यहाँ पर इस तरीके से अपने अंगूठों को बिल्कुल ही सटा देना है। हाथों की स्थिति बिल्कुल सीधी सीध रहेगी, इस तरीके सीध, ठीक है, और इस तरीके से खड़े हो जाना। ये पहली स्थिति है, पहली मुद्रा है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से सूर्य नमस्कार का पहला मंत्र है ओम मित्राय नमः। तो पहले मंत्र के साथ शुरू करते हैं और सांस को लेंगे और ऊपर हाथ ले जाएंगे। सबसे पहले देखिए, ओम मित्राय नमः, सांस को ले जाएंगे, सांस को अंदर लेंगे, ठीक है, सांस भीतर प्रवेश करेगी, ये पहली मुद्रा है, सांस को भी बाहर नहीं निकालेंगे, ठीक है। इसमें ताड़ासन की स्थिति में आप आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आपके पंजे बिल्कुल मिले हुए हैं और आपके दोनों पैर जमीन से ही बिल्कुल रहेंगे, नहीं एड़ी पे नहीं उठना है, बिल्कुल ही ऐसे सीधा खड़ा रहना है और हाथों को ऊपर ले जाना है, ठीक है। और सांस को अब निकालेंगे। देखिए, पहली स्थिति थी प्रणाम की मुद्रा, द्वितीय स्थिति में देखिए ये था, आपको ताड़ासन की स्थिति में जो है केवल अपने हाथों को ऊपर ले जाना। अब देखिए तीसरी स्थिति में पश्चिमोत्तानासन करेंगे। पश्चिमोत्तानासन में क्या होगी, सांस बाहर जाएगी, ठीक है। तीसरी मुद्रा है पश्चिमोत्तानासन, इसमें सांस बाहर जाएगी और अपने जो हाथ हैं उनसे पंजों को छुएंगे और अपना जो माथा है उसको घुटने में स्पर्श कराएंगे। तो ये जो तीसरी जो मुद्रा है वो ये है, आप यहाँ से आएंगे, सांस को निकालते हो, पंजों को स्पर्श करेंगे और इस तरीके से घुटनों से अपना माथे को स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे। जिनका नहीं होता है वो धीरे धीरे अभ्यास से होने लगेगा, ठीक है। ये तृतीय मुद्रा है। अब यहीं से क्या है, अब यहीं से सांस बाहर निकाल दी आपने, ठीक है, तीसरी मुद्रा हो गई। अब यहीं से आपको अपना बायां पैर पीछे ले जाना है, देखिए, और जो सांस आपने बाहर की थी अब वो भीतर जाएगी। देखिए, सांस को भीतर लेंगे, सांस भीतर है और बाएं पैर से ही प्रारंभ करना। देखिए, बाएं पैर पीछे, पहले बाया पैर जाएगा, पहली जो स्थिति है सूर्य नमस्कार की उसमें जो है बाया पैर पीछे जाता है। और अब क्या है, दाया पैर आपका पीछे जाएगा, सांस को आपको बाहर निकालना है। देखिए, दाया पैर आपका पीछे गया और अब घुटना, सीना, मस्तक, अब सांस भरते हुए सर्पासन की स्थिति, कोबरा पोज, सांस को बाहर निकालेंगे और अपनी एड़ियों को जमीन से टच कराएंगे। ये कोबरा पोज है, सर्पासन। इसमें क्या है, पंजों से आपको खींचा हुआ आगे की तरफ, अपने को ऊपर आकाश की तरफ जितना देख सकते हैं खींचना है, ठीक है। बिल्कुल ही सी बना देना है पीछे आपको, ठीक है, इस तरीके से सर्पासन। और अब एड़ी को जमीन से टच कराना है, एड़ी को जमीन से टच कराना है, घुटने सीधे रहेंगे और नीचे से आसमान को देखने का प्रयास करना है, ठीक है। अपनी थोड़ी जो है छाती से लगी रहेगी, थोड़ी आपकी छाती से लगी रहेगी,
एड़ी को जमीन से टच कराना है, वापस बायां पैर आगे, सांस भरते हुए दायां पैर आगे, सांस निकालते हुए वापस पश्चिमोत्तानासन की स्थिति है ये। इसमें क्या है, पंजे पे आपके हाथ रहेंगे और जो आपके घुटने हैं उनमें अपना माथा स्पर्श कराना है, सांस को बाहर निकाल देना, वापस से सांस को भरते हुए शरीर खींचा रहेगा, एड़ी नहीं उठेंगी, एड़ी जमीन से सटी रहेंगी। अब वापस से प्रणाम की मुद्रा, नॉर्मल हो जाएंगे। पहला मंत्र के साथ पहली सूर्य नमस्कार की स्थिति जिसमें आपने 12 मुद्राएं पूरी की हैं, तो इस तरह से हमारे टोटल 13 मंत्र हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवय नमः, ओम सूर्याय नमः। सूर्य नमस्कार के 13 मंत्र, ओम मित्राय नमः, ओम रवय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम खगाय नमः। ठीक है, तो आपको बता दूं कि ये जो पहली स्थिति थी दाएं बाएं पैर से शुरू की गई थी, और सूर्य नमस्कार के दूसरे मंत्र के साथ जो स्थिति रहेंगी, जो मुद्राएं रहेंगी, वो दाएं पैर से प्रारंभ होंगी। इसमें यानी कि जो इवेन नंबर है, जो सम नंबर है, वो सीधे पैर पे जाएगा, ठीक है, राइट पैर पे जाएगा, दाएं पैर पे जाएगा, और जो ऑड नंबर है वो आपकी, जैसे पहली स्थिति हो गई, वो आपकी लेफ्ट पैर पे जाएगी, ठीक है, लेफ्ट लेग पे, इससे दाएं बाएं पैर से। तो अब हम लोग दूसरी स्थिति करते हैं। दूसरी स्थिति में पूरा प्रयास करूँगा बताने का, तो चलिए शुरू करते हैं। श्वासों के क्रम पर सिद्धांत लगेगा, श्वास लेंगे, निकालेंगे, छोड़ेंगे, ठीक है। पहले प्रणाम मुद्रा नॉर्मल रहेंगे, दूसरी मुद्रा जो है उसमें श्वास को भीतर खींचेंगे, और जैसे ही आप अपनी पश्चिमोत्तानासन की स्थिति में आएंगे, श्वास को बाहर कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरी स्थिति सूर्य नमस्कार की, और श्वासों का जो क्रम रहेगा इसमें आप विशेष ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताते रहूँगा। तो दाएं पैर से शुरू होगी और मंत्र है इसका ओम रवय नमः, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले नंबर क्या करना है, पंजों को बिल्कुल सटा देना है, एड़ियों को बिल्कुल सटा देना है, बिल्कुल सीधी स्थिति में खड़े हो जाना है, ठीक है। अब अपने दोनों हाथों को अपने सूर्य चक्र, ये है जो छाती का बीच का सेक्शन है, ये है सूर्य चक्र पर रखना है। देखिए दोनों हाथों को लाना है, दोनों हाथों के अंगूठों को सूर्य चक्र पर इस तरीके से सटा देना है, और अब यहाँ से श्वास को भरते हुए पहले नंबर मंत्र बोलेंगे ओम रवय नमः, मंत्र हो गया। अब जो है श्वास को भीतर प्रवेश कराते हुए ऊपर हाथों को ले जाना है, ठीक है। श्वास भरिए ओम रवय नमः, सांस छोड़ते हुए पश्चिमोत्तानासन की स्थिति करना है, सांस को छोड़ते हुए पश्चिमोत्तानासन की स्थिति। जैसा कि आपको बता चुका हूँ इसमें क्या है, आपको अपने पैरों के अंगूठों को टच करना है और अपना जो माथा है उसको घुटनों से सटा देना है इस तरीके से। देखिए ये बिल्कुल सीधे रहेंगे आपके पैर, और घुटनों को मोड़ना नहीं है, और कोशिश करना है कि माथा हमारा इसमें स्पर्श हो जाए, ठीक है। अब इस तरह के से यहीं से आपको, अभी आपने जो पहली स्थिति की थी पहले मंत्र के साथ, उसमें आपका बायां पैर पीछे गया था, अब आपका दाहिना पैर पीछे जाएगा, ठीक है। और सांस आपने बाहर निकाली है, उसको भीतर प्रवेश कराना है ऐसे। अब बायां पैर पीछे जाएगा, सांस को बाहर कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, घुटना, सीना और माथा, सांस को बाहर निकाल दिया आपने, अब सांस को भीतर प्रवेश कराते हुए करेंगे सर्पासन। सांस भीतर प्रवेश करेगी, हो गया ये सर्पासन, आकाश को निहारिए, आकाश को निहारिए,
अब यहीं से श्वास को बाहर निकालते हुए धोबी के पार्ट की तरह अपनी एड़ियों को जमीन से टच कराना है, पंजे मिले हुए रहेंगे, पंजों को मिलाए रखना है, ठीक है, पंजों को मिलाए रखना है और एड़ियों को जमीन से सटा देना है। फिर वापस से जो पैर पीछे गया था उसको वापस ले आना है, ये इस तरीके से अब आपको श्वास को लेना है, ठीक है, श्वास को लेना है। अब जो स्थिति आएगी श्वास को बाहर निकालना है, पश्चिमोत्तानासन की स्थिति में श्वास को बाहर निकालना होता है। वापस से हाथ ऊपर, श्वास को भरिए और इसमें श्वास को नॉर्मली निकाल दीजिए। ये प्रणाम की मुद्रा है। इस तरह से आपका सूर्य नमस्कार आसन, मैंने दो विधियाँ, दो स्थितियाँ बताई हैं, उनको आप कीजिए। पूरी 13 स्थितियाँ होंगी 13 मंत्रों के साथ, और प्रत्येक में जो मुद्राएं हैं 12, उनको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। फिर से मैं आपको श्वास का क्रम बताता हूँ। पहले श्वास को भीतर लेंगे, पहले प्रणाम की मुद्रा है, नॉर्मल श्वास है, श्वास को भीतर लिया, श्वास को बाहर निकाला पश्चिमोत्तानासन में। फिर अगली स्थिति के साथ श्वास, मतलब श्वास का क्रम, श्वास को लेना, छोड़ना, बस यहाँ पे होती नॉर्मल, बाकी शुरुआत कर देते हैं आप जो भी मुद्रा करेंगे उसमें श्वास को क्रम एकांतर क्रम में चलेगा। श्वास को लिया, श्वास को छोड़ा, श्वास को लिया, श्वास को छोड़ा, यहाँ श्वास ली, फिर निकाल दी श्वास को, श्वास को छोड़ दिया, ठीक है।